रही है जहां प्रियंका वाड्रा अपने गेस्ट हाउस से बाहर आ चुकी हैं। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया कि हर राजनीतिक दल से 5 सदस्य लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। तो अब खबर ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल और एक अन्य कांग्रेस का सदस्य, शायद वो सचिन पायलट हो सकते हैं, वो अब सीतापुर से निकलकर लखीमपुर खीरी आ सकते हैं। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, तो फिर प्रियंका वाड्रा को अब कहा गया है कि आप अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल सकती हैं, क्या वो अब पहले ही सीधा ही लखीमपुर खीरी आ जाएंगी या फिर अपने भाई और फिर पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का इंतजार करते हुए उनके साथ जाएंगी? देखिए बिल्कुल आनंद, हर दल को 5 लोगों की अनुमति दी गई। अगर प्रियंका अकेले आ जाएंगी तो फिर राहुल नहीं आ पाएंगे, एक टेक्निकल बात फंसती है। इसीलिए प्रियंका गांधी को अब रिहा कर दिया गया है, ऑफिशियल जो उन्हें अरेस्ट करके रखा गया था ऑफिशियल तौर पर अब उन्हें रिहा कर दिया गया है, अब वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन खबर यह है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी का इंतजार करेंगी, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। आनंद, तो इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि उन्हें ऑफिशियल तौर पर रिहा कर दिया गया है, वो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। जैसे ही राहुल गांधी सीतापुर पहुंचेंगे, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगी। आनंद जी, तो अब कितने बजे उनके पहुंचने की उम्मीद है लखीमपुर खीरी, क्योंकि शाम तक, रात को तो रात को कहा जा रहा है कि घंटे क्या है, रात को तो वो आवाज नहीं रुक सकती ना, क्योंकि संध्या काल के बाद उनको वहां से बाहर निकलने की बात भी कही गई है। देखिए बिल्कुल, सीतापुर से लखीमपुर खीरी का 1 घंटे का रास्ता, और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचेंगे अगले 40-45 मिनट में, जैसे ही वो पहुंचेंगे वैसे ही प्रियंका गांधी वहां से निकल लेंगे और यहां 2 घंटे के मतलब 4 से 5 के आसपास प्रियंका गांधी यहां पहुंच जाएंगी। और दूसरी खबर ये भी है आनंद की, अखिलेश यादव का शाहजहांपुर दौरा, और शाहजहांपुर भी यहां से 100 किलोमीटर की दायरे में आता, तो अखिलेश यादव भी यहां आ सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का एक दल रवाना हो चुका जो पुलिस लाइन में यहाँ हिरासत में, तो उनको भी छोड़ दिया गया। तो जिन भी राजनीतिक दलों का ना, वो सिर्फ 5 लोग आएंगे। अब एक तरह से होड़ लगेगी कि कौन सा राजनीतिक दल पहले